हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? राइट थ्री नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो? नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। और ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो किसका होता है? इरेशनल नंबर का। ठीक है, मैं अपना इरेशनल नंबर का याद करो, मैं एक मैंने जो एग्जांपल कराया था उससे पहले मैंने बताया था कि रैशनल नंबर जो होते हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होंगे। ठीक है, और जो रैशनल नंबर होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब जैसे आप देख सकते हो, जैसे कि अगर आप मैंने यहाँ पर देखो रूट टू और रूट पाई के मैं डेसिमल एक्सपेंशन आपको पहले दिखा चुका हूँ। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो जहाँ पर मैंने इरेशनल नंबर चालू किया था वहाँ मैंने दिखाया था। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को, मेरे इस चैप्टर की वीडियो को सीरीज से देखते हुए चलिए, आपको हर चीज़ समझ में आती हुई चली जाएगी। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, पाई है। अब पाई की अगर वैल्यू देखोगे तो 3.14592653 डेट डेट एस करके। ठीक है, तो पहला एग्जांपल में तो आप लिख सकते हो पाई की वैल्यू। ठीक है, देखो नॉन टर्मिनेटिंग है ना, तो ये ख़त्म हो रहा, और नॉन रिकरिंग मतलब यहाँ पर किसी भी नंबर का जो है वो रिपीटेशन भी नहीं हो रहा, बता चुका हूँ। रूट टू को भी देखोगे तो रूट टू की वैल्यू भी क्या थी, 1.41421356237 इस तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो रहा है। और रूट थ्री को भी देखोगे तो उसकी भी वैल्यू कुछ यही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी जैसे कि पाई या कोई भी प्राइम नंबर है, अगर आप उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे, ठीक है, और डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं तो 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा लॉन्ग डिवीज़न मेथड। लॉन्ग डिवीज़न मेथड से किसी का भी डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। जो जैसे कि रूट टू है तो रूट टू का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना होगा, तो कैसे निकालोगे? लॉन्ग डिवीज़न मेथड से रूट थ्री का। ठीक है, अगर आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड 8th क्लास में किया होगा, अगर नहीं आता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं आपको निकालना सिखा दूंगा। ठीक है, तो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं अगर आप उनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हो, ठीक है, तो वो भी क्या होंगे, वो जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं। ठीक है, तो तीन एग्जाम्पल जो थे वो तीनों एग्जाम्पल हमने लिख लिए। फिर भी अगर आपको याद नहीं रहती है, क्योंकि इनकी वैल्यू तो आपको याद रहेगी नहीं इस तरीके से, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा फंडा कैसे करेंगे जी, कुछ भी लिख सकते हो। जैसे 0.01 लिखा, पॉइंट के बाद में 01 लिखा, फिर दो बार जीरो लगा दिया 001, फिर तीन बार जीरो लगा दिया 0001, फिर चार बार 00001। ठीक है, इसी तरीके से 0.20200200। ठीक है, यहाँ पर देखो कोई भी नंबर जो हो रहा है वो जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ पर 20 था या 200 हो गया या 2000 हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग है ना, तो ख़त्म हो रहा, और नॉन रिकरिंग मतलब बार बार इसका रिपीटेशन भी नहीं हो रहा। इसी तरीके से मैं लगा 2.22022022220। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। आगे समझ में? तो अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं रहती हैं तो आप इस तरीके से भी कोई भी तीन एग्जाम्पल्स जो हैं वो बता सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या होता है, समाप्त।